हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आईफोन सफारी ब्राउज़र में सर्च इंजन कैसे चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आईफोन में आप जो सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सर्च इंजन होता है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि आईफोन में आप जो सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो सर्च इंजन होता है वो गूगल वगैरह होता है। तो अगर आप चाहें तो वो सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक नया टैब क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें से यहाँ पे कुछ भी मैं सर्च कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होगा वो गूगल का होगा। तो आप अपने हिसाब से सर्च इंजन जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से आपको जाना होगा सफारी ब्राउज़र में, और सफारी ब्राउज़र में यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा सर्च इंजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गूगल है, तो आप चाहें तो उसे याहू या बिंग, आप जो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कर दिया याहू, और आप जब बाद में सफारी ब्राउज़र में जाएंगे और कोई भी चीज़ यहाँ से सर्च करेंगे तो बेसिकली वो जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है वो आपने जो सेट किया है उसके हिसाब से वो सर्च करेगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सर्च इंजन का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं सफारी ब्राउज़र के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।